अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं कबाब पाव। ये बॉम्बे में बहुत फेमस है। इसके लिए मैंने लिया हुआ है तकरीबन 200 ग्राम जितना कीमा, एक लार्ज साइज़ का टमाटर, इसको पील करके मैंने स्लाइस कट कर लिया है, एक मीडियम साइज़ की प्याज, इसको मैंने चॉप कर लिया है, 3 स्पाइसी वाली हरी मिर्ची, इसको मैंने बीच में से कट कर लिया, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, जिंजर गार्लिक पेस्ट 1-1 टीस्पून ईच मैंने लिया हुआ है, धनिया पाउडर मैंने लिया हुआ है 1.5 टीस्पून, पाव टीस्पून जितनी हल्दी, आपको जितने तीखा पसंद हो उतने लाल मिर्ची मैंने 1 टीस्पून ली हुई है, और तकरीबन 2 टेबलस्पून जितने बॉयल मटर मैंने लिए हुए हैं, ज़ीरा साबुत वाला 1 टीस्पून, 2 ग्रीन वाली इलायची और थोड़े से ब्लैक पेपर साबुत वाले, ऊपर से मिलाने के लिए 1 टेबलस्पून जितना हरा धनिया, 1/2 इंच का टुकड़ा जिंजर का जूलियन मैंने किया हुआ है, एक बड़ी वाली हरी मिर्ची जो कढ़ाई वाली होती है ये मैंने ली हुई है एक, इसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया, और गरम मसाला 1/2 टीस्पून जितना हम मिलाएंगे, ये घर का नहीं है, ये पैकेट का मसाला है गरम वाला। मैंने इसके लिए थोड़ा सा घी और थोड़ा सा ऑयल ले लिया, देसी घी लिया हुआ है मैंने। घी गरम हो गया, हम इसमें ये डाल देंगे साबुत मसाला हमारा, ये होने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी प्याज और ये हरी वाली मिर्चें। प्याज जब हल्का हल्का पिंक होना स्टार्ट हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन मैंने तकरीबन 4-5 स्टर दी इसको। अब मैं फ्लेम बिल्कुल फुल कर दूंगी और इसको मैं कीमा डाल दूंगी इसमें और इसको अच्छे से भून लूँगी फुल फ्लेम के ऊपर। साथ ही मैं नमक डाल रही हूँ। जब हमारा कीमा भुन जाएगा 1 मिनट के अंदर ये भुन जाएगा क्योंकि हमने फ्लेम फुल की भी होती है। अब मैंने इसको स्लो कर दिया और मैं इसमें डाल दूँगी टमाटर। टमाटर डाल के मैं इसको कवर कर लूँगी स्लो फ्लेम करके। 2 से 3 मिनट में जब टमाटर अच्छे से गल जाएंगे, मैंने बीच में एक बार चमचा चलाया था इसमें, अब हम इसमें डाल देंगे ये हमारा पाउडर मसाला और इसको मैं मिक्स कर लूँगी और कवर करके हल्की फ्लेम पे इसको छोड़ दूँगी जब तक के अच्छे से सब चीज़ें भुन जाए और कीमा गल जाए। चार मिनट तक मैंने इसको पकाया, ये अच्छे से भुनना स्टार्ट हो गया है और थोड़ा थोड़ा सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। अब मैं इसके अंदर थोड़ा पानी मिलाऊंगी, मैंने अभी तक पानी नहीं मिलाया था क्योंकि ये छोटे का खीमा है तो ये जल्दी पक जाता है, तो उसी के पानी में ये पक गया, मगर मुझे इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर चाहिए इस वजह से मैंने पानी मिलाया। अभी भी मैं इसको स्लो फ्लेम पर ही रहने दूँगी और इसके अंदर मैं मिला दूँगी हमारे मटर और इसको कवर करके मज़ीद 2 से 3 मिनट इसी तरह पकाऊंगी। हमारा कीमा रेडी है 2 मिनट बाद। अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1/2 टीस्पून जितना गरम मसाला पाउडर, हरा धनिया, हरी मिर्चें, ये मैं ऊपर के लिए रखूंगी, इसको मैं मिक्स कर लूंगी। और फ्लेम ऑफ करके मैं इसको तकरीबन 2 मिनट दम दूंगी, इसके बाद मैं इसको डिस्कार्ड कर लूंगी। ये रेडी हमारा कीमा पाव। अगर आपको पाव के साथ सर्व नहीं करना तो आप घर की चपातियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, बहुत मज़े का लगेगा। आई होप आप ट्राई करेंगे, आपको ज़रूर से पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।